क्या दूसरी बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनेगी, क्योंकि 2007 में टीम इंडिया ने पहली बार ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन अब 2024 आ गया है और आपको याद होगा दोस्तों MS धोनी के अंडर टीम इंडिया पहली बार चैंपियन बना था और पहला ही सीजन था वो। अब देखा जाए तो भाई काफी लंबा टाइम हो गया है। 2013 में टीम इंडिया जरूर ICC चैंपियंस ट्रॉफी उठाई थी, उस समय MS धोनी कैप्टन थे, लेकिन अब 11 साल हो गए। अब 11 साल का सूखा क्या 2024 में पूरा होगा। और वैसे T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है दोस्तों, और टीम इंडिया का जो पहला मैच है वो आयरलैंड के खिलाफ होगा, 5 जून को खेला जाएगा ये मुकाबला। और इस बार टीम इंडिया की जो कमान है वो रोहित शर्मा के हाथों में है। अब टीम इंडिया ने यूटर्न लिया है दोस्तों, आपको याद होगा 5 महीने पहले टीम इंडिया ने सोचा था कि हार्दिक पांड्या को फुल टाइम कैप्टन बनाया जाए और उन्हीं के साथ खेले, लेकिन फिर विराट और रोहित दोनों का कमबैक हुआ इस टीम में। इस बार कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है, उम्मीद ये है कि टीम इंडिया इस बार हर मैच जीतेगी और चैंपियन बनेगी। इस बार ये T20 वर्ल्ड कप US और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला जा रहा है और इस बार भी टीम इंडिया को फेवरेट माना गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार टीम इंडिया सभी टीमों को हराकर भाई T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। लेकिन इससे पहले, हालांकि भारतीय टीम अपना आगाज तो करेगी 5 जून को, लेकिन उससे पहले संजय मांजरेकर का एक बड़ा बयान सामने आया है। अब ये जो बयान है काफी चर्चाओं में है इस वक्त। संजय मांजरेकर ने एग्जैक्ट कहा क्या है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, आपको दिखाते हैं। अब वक्त आ गया है, इंतहा हो गई है, हम 2007 में जीते थे, अभी हमने कहा कि विराट कोहली के इतने रिकॉर्ड है, सब कुछ है, माइलस्टोन है, लेकिन ICC ट्रॉफी कहां पर है। 2011 के बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, जब से MS धोनी चले गए हैं तब से मानो ट्रॉफी आना भी हमारी अलमारी में बंद हो गया है। बड़ी कहानी ये होगी कि टीम इंडिया ने फिर एक बार एक्सपीरियंस पर भरोसा जताया है, टूर्नामेंट में अच्छा खेलना नहीं बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचना है और फाइनल भी जीतना है। देखा दोस्तों आपने जो संजय मांजरेकर ने जो पॉइंट आउट किया है कि भाई टीम इंडिया पिछले 11 साल में कई सारे नॉकआउट स्टेज पे पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लाइन क्रॉस की बात आती है तो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, या तो सेमीफाइनल में हार जाती है या फाइनल्स में जाकर हार जाती है। लेकिन इस बार इस क्रम को तोड़ना होगा क्योंकि लंबा टाइम हो गया है और अब तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को चैंपियन बनना होगा। और टीम इंडिया वैसे अगर देखा जाए तो इस टीम में कई सारे आपको मैच विनर खिलाड़ी लगेंगे, चाहे रोहित हो, विराट हो। विराट कोहली ने IPL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था, 741 रन बनाए थे। अगर उसी रिदम के साथ और उसी मोमेंटम के साथ यह बैटिंग करेंगे तो टीम इंडिया ऑब्वियसली बात है कि अच्छा खेल दिखाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है, हकीकत ये भी है कि टीम इंडिया को अपना थोड़ी सी सोच और अप्रोच दोनों बदलनी होगी। और यहाँ पर अगर देखिए 24 पिचेज है, बट इसमें भी यहाँ पर बैटिंग में और खासकर पावर प्ले में अच्छे रन गेट करना होगा, क्योंकि अगर आपने 6 ओवर में 60-70 रन बोर्ड पर लगा दिए तो फिर सामने वाली टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन जो मर्जी कहें, भाई टीम इंडिया वाकई में फेवरेट जरूर है, लेकिन वेस्ट इंडीज की मेजबानी में कहीं ना कहीं वहां पर हराना बड़ा मुश्किल होगा। और टीम इंडिया को अपने ग्रुप ए में पाकिस्तान को भी हराना होगा, आयरलैंड को भी हराना होगा और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जो निशाना है वो टॉप 4 में आने का होगा और फिर उसके बाद सेमीफाइनल में अच्छा खेलना होगा और फिर फाइनल जीतना होगा। वैसे मुझे उम्मीद ये है कि टीम इंडिया एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी और चैंपियन बनकर वेस्ट इंडीज से आएगी। आपको इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।